कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, ये सी टेट का जो चाइल्ड एंड पेडागोजी सिलेबस है उसका हिस्सा है, फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में सोचा है टॉपिक वाइज आपके सिलेबस में कंप्लीट कराऊंगा। और दूसरा, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप देख भी सकते हैं। सर मैंने लिखा है हिंदी और इंग्लिश, इसमें हिंदी आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और तीसरा, आप अपने नोट्स भी बनाते जाइएगा, क्योंकि नोट्स बनाना अच्छा रहता है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ समझा रहा हूँ। और चौथा, नोट्स बनाने से पहले जो मैं सुना रहा हूँ वो उसको आप सुन लीजिएगा, फिर इसको पॉज करके नोट्स बनाइएगा। ऐसा नहीं कि आप सुनते भी जा रहे हैं नोट्स बनाते जा रहे हैं, उससे आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। और सी टेट, यू पी टेट, रीट, कुछ जितने भी टीचर एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम्स है जिसमें साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है या साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सबके लिए बहुत हेल्पफुल है। ये फर्स्ट पार्ट है, मैं ये नहीं कह रहा ये पूरा जो डेवलपमेंट है वो एक इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, धीरे धीरे और वीडियोज आएंगे वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आप शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो में आप पढ़ेंगे डिफरेंशिएट अमंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, मैं हिंदी इंग्लिश में बता रहा हूँ, वैसे आगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये आप देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो डिफरेंशिएट अमंग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट उसको हम समझेंगे, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट यानी सिद्धांत को समझेंगे। तीसरा, कितने तरह के डेवलपमेंट होते हैं। देखिए, डेवलपमेंट कई चीज़ें होती है, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें होती है, ये इनको भी हम इसमें समझेंगे। रोल ऑफ लर्निंग इन डेवलपमेंट, ये लीनिंग हो गया, तो लर्निंग इन डेवलपमेंट, चिल्ड्रंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड प्रमोट ऑप्टिमल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, तो ये सब चीज़ें इसमें हिस्सा रहेगी। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है। देखिए, होता क्या है कि हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एक ही चीज़ मान के चलते हैं, जबकि आप जब भी पढ़ेंगे 11th 12th के बाद की बड़ी क्लासेस में भी अगर पढ़ेंगे तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमेशा अलग चीज़ होती है। चाहे वो आप इकोनॉमी के परिदृश्य में ले लीजिए, यानी कंट्री की ग्रोथ के परिदृश्य में ले लीजिए, अपने पर्सनल ग्रोथ के डेवलपमेंट या ग्रोथ के परिदृश्य में ले लीजिए, या आप ये साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट या ग्रोथ के जो है उसके एस्पेक्ट को अगर आप लेंगे, तो आप किसी भी एस्पेक्ट पर लीजिए, हमेशा ग्रोथ और डेवलपमेंट दो अलग अलग फिनोमेना बताए गए हैं। भले ही ज्योग्राफी में आप पढ़ रहे हो, इकोनॉमी में पढ़ रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो, साइकोलॉजी में भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अलग चीज़ है। क्योंकि ग्रोथ जो होता है, ये जो ग्रोथ वर्ड है, ये बेसिकली एक रिस्ट्रिक्टेड वर्ड है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिवनेस नहीं होती, इसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड होती है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, यानी सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है। डेवलपमेंट जो होता है वो हमेशा सकारात्मक होता है, इसके लिए हमेशा माना जाता है ये पॉजिटिव होता है। अगर कभी क्वेश्चन आए तो ये है, इसको जरूर नोट कर लीजिए, डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है, ग्रोथ में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें इन्वॉल्व रहती है। हालांकि डिक्लाइन को भी डेवलपमेंट में माना जाता है, बट जो डिक्लाइन होता है वो नेगेटिव नहीं माना जाता। When child grows heavier and taller is called growth. लंबाई और वजन बढ़ता है तो उसे समवृद्धि कहते हैं। समवृद्धि या वृद्धि जो भी आप कहना चाहें उसको वो कहते हैं। देखिए, जब आपकी लंबाई या वजन बढ़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, समवृद्धि, यानी आपकी वृद्धि हो रही है। जैसे बचपन से आप बड़े हुए होंगे, लगभग 18-19 साल तक डेवलपमेंट होता ही रहता है, हाइट वगैरह का डेवलपमेंट होता रहता है, वो ग्रोथ थी बेसिकली, वो डेवलपमेंट नहीं था। जो डेवलपमेंट इस पीरियड में आपको हुआ वो हुआ, जैसे आपने पी के मूवी देखी होगी तो बोलने में जैसे आपका डेवलपमेंट हुआ। पी के मूवी अगर आपने देखी तो उसमें एक सीन है, उसमें वो बात करते हैं कि देखिए अच्छा, अच्छा को आप कई तरीके से बोल सकते हैं, अच्छा ये किसी की प्रशंसा है, अच्छा, और अगर डाउटफुल बोला अच्छा, और किसी को डराना अच्छा, तो आप कई तरीके से इस वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है लैंग्वेज का डेवलपमेंट है, आप लैंग्वेज को कैसे मॉड्यूलेट करते हैं। इमोशंस का आपने देखा होगा, ओवर ए पीरियड आप इमोशंस को ज़्यादा बेटर वे में समझने लगे होंगे कि दूसरा क्या सोच रहा है, समझ रहा है। छोटे पे ऐसा नहीं हुआ, छोटे पे क्या होता है, जनरली हमारी जो फीलिंग्स होती हैं वो फिल्मों से ज़्यादा गवर्न होती है। फिल्मों में दिखाते हैं, हम मान लेते हैं हाँ ऐसा हुआ तो अच्छा ही हुआ, या अच्छा ही आदमी होगा, ऐसा नहीं है। हम ओवर ए पीरियड जानते हैं कि हाँ, जो आपके साथ हो सकता है, आपको टॉफी दे रहा हो, बच्चों को लालच दे रहा हो, वो ख़राब आदमी भी हो सकता है। ये ओवर ए पीरियड हमें पता चलता है, ये डेवलपमेंट का हिस्सा है कि हम ये चीज़ें समझ पाते हैं। ग्रोथ को साइकोलॉजी में सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट में लिया जाता है, जो हमारी बॉडी ग्रो होती है, हमारे सेल्स ग्रो होते हैं, ये मसल्स ग्रो होती है, इस एस्पेक्ट को ही ग्रोथ माना जाता है, यानी वृद्धि सिर्फ शारीरिक स्तर पर ही होती है। इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और जो ग्रोथ होता है वो क्वांटिटेटिव होता है, यानी मात्रात्मक होता है, यानी आप इसको मेजर कर सकते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो खास बात है वो है कि आप उसको स्केल से ग्रोथ को मेजर किया सकता है, डेवलपमेंट को स्केल से मेजर नहीं किया जा सकता। आपकी लैंग्वेज का कितना डेवलपमेंट हुआ, आप इमोशनल
अंडरस्टैंडिंग ये बोला जाता बहुत बढ़ गई है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि 10 पॉइंट पर आपकी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग या भावनात्मक विकास हो गया 10 पॉइंट तक, या 11 पॉइंट तक आपका भावनात्मक विकास हो गया। वो सिर्फ रिलेटिवली ही हम पता कर सकते हैं हाँ कि आपका अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, इस उम्र में इतना हो जाना चाहिए। कभी कभी पेरेंट्स से आपको सुनने को मिलता ही होगा कि जब तक 19-20 साल के होते तो बहुत ज़्यादा, अभी तो तुम बच्चे हो, तुमको समझते नहीं हो, तो ये सब चीज़ें वो भावनात्मक विकास का लेवल होता है। जब डेवलपमेंट होता है तो क्या होता है, जो बच्चा होता है, कोई भी बच्चा, लड़का चाहे लड़की कोई हो, वो बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाता है, सतर्क भी हो जाता है, संवेदनशील भी हो जाते हैं। आप जैसे बचपन में किसी पे भी आसानी से विश्वास कर लेते होंगे, लेकिन ऐसा अब नहीं हुआ होगा। दूसरा, कई बार आप अपने रिस्पॉन्स को रोकते भी हैं और कई बार रिस्पॉन्स देते भी हैं। बचपन में क्या, आपको रिस्पॉन्स देने के लिए सामने वाले को बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते थे। जैसे मान लीजिए कुछ भी कहना हो, करवाना हो, एक जगह बैठाना हो, तो ये नहीं कि आपसे कहा छोटे पे छोटे बच्चे को कि भाई तुम बैठ जाओ, तो बैठ गया, उसको थोड़ा सा प्यार से समझाना पड़ता है, थोड़ा सा डरा भी लेते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती है। तो आप जैसे जैसे बड़े होंगे, आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनेंगे, ज़्यादा संवेदनशील होते जाएंगे और सतर्क बनेंगे। ये है डेवलपमेंट। और जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, मतलब आपकी ग्रोथ होती है, वैसे वैसे आपके फिजिकल चेंजेस भी आने लगते हैं। तो ये दीज आर साइंस ऑफ डेवलपमेंट, ये विकास के साइन है, क्योंकि डेवलपमेंट में ग्रोथ भी इंक्लूडेड है। ये जो ध्यान रखिएगा, जो ग्रोथ हो सकती है वो क्वांटिटेटिव जरूर होती है, लेकिन ग्रोथ के अंदर ही डेवलपमेंट इंक्लूडेड होता है। अब देखिए डेवलपमेंट में क्या होता है कि डेवलपमेंट जब हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, आप लैंग्वेज का डेवलपमेंट करते हैं, आपकी जो बॉडी भी ग्रो कर रही होती है, आपके इमोशनल डेवलपमेंट होते हैं, आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो डेवलपमेंट में हमारे जो जेनेटिक प्रोग्राम होता है, जैसे हार्मोनल चेंजेस, जैसे हमारी हाइट बढ़ना, वज़न बढ़ना, ये भी डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। और साथ ही साथ वो चेंजेस जो एनवायरनमेंट से होते हैं। एनवायरनमेंट क्या होता है, मैं आगे क्लियरली बताऊंगा। जैसे एनवायरनमेंट हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ, हमारे जो परिवार होता है, हमारे जो स्कूल होता है, हम जो टीवी देखते हैं, वो सब हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है। उससे हम बहुत चीज़ें सीखते हैं, जैसे सजना संवरना सीखते हैं लड़कियाँ, मतलब ज़्यादातर लड़के एक्सरसाइज करना सीखते हैं कि हाँ 10 बार वो 10th 11th में वो जिम जाते हैं। तो ये हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है कि हमें थोड़ी बॉडी अच्छी बनानी चाहिए, लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। और दूसरा, अच्छी एक्सरसाइज वगैरह करने से क्या होता है, आपकी जो हेल्थ है वो भी बहुत अच्छी रहती है। ये हमारे, हम अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं, ये हमें जेनेटिकली नहीं मिला हुआ। जेनेटिकली जैसे जानवरों में होता है, जानवरों में खासतौर से बर्ड्स में देखेंगे आप, बतख के बच्चों को देखेंगे, वो एक सीधी लाइन में चलने लग जाते हैं, जन्म लेते ही वो माँ का पीछा करते रहते हैं। तो वो जेनेटिक डेवलपमेंट है। हम ओवर ए पीरियड सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं, लैंग्वेजेस का यूज़ सीखते हैं, लैंग्वेज को कैसे मॉड्यूलेट करना है, यानी कैसे चेंज करना है आवाज़ को, उसको सीखते हैं। तो ये डेवलपमेंट है। जो डेवलपमेंट में, जैसे मैंने आपको बताया पहले कि डेवलपमेंट सब कुछ होता है, फिजिकल भी होता है, यानी शारीरिक, कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक, लैंग्वेज, भाषा का विकास, सामाजिक विकास, मतलब एक दूसरे से बात करना, ग्रुप बनाना, ग्रुप में रहना, ये सोशल डेवलपमेंट है। ग्रुप के लोगों के लिए भलाई के बारे में सोचा, जो अपने बारे में नहीं सोचा। इमोशनल डेवलपमेंट, आपको इमोशनली मदद करना, भावनात्मक तौर पर समझना परेशानियों को और उसको डील करना, और दूसरे के, जैसे बच्चा एक ग्रुप में रहता है, फ्रेंड्स बनाता है, उसको सोशल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी सोशल, सामाजिक स्तर का डेवलपमेंट या विकास कहा जाता है। डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं। जो ग्रोथ होती है उसमें कौन से होते हैं, क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक चेंज होते हैं। डेवलपमेंट के अंदर क्वालिटेटिव और गुणात्मक चेंज दोनों होते हैं। गुणात्मक कोई जो, और दूसरी चीज़ आपकी हाइट और वेट के अलावा दूसरी चीज़ें, जैसे आपकी लैंग्वेज का यूज़, और जैसे आपके किसी सोशल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, लोगों से कैसे बात करी जाती है, कैसे मिला जाता है, कैसे मिलनसार बना जाता है, लोगों से कैसे उनसे काम करवाया जाता है, अगर आप किसी ऑफिस वगैरह में, तो ये आप क्वालिटेटिव चेंजेस हैं, ये मेंटल इमोशनल एस्पेक्ट पे होते हैं। और डेवलपमेंट हमेशा कंटिन्यूस, एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। देखिए जैसे बच्चा बड़ा हुआ तो 2 साल का, 5 साल का, 6 साल का, हाइट क्या होगी, एक मतलब 18-19 साल या 20 साल पर जाके हाइट जो होती है वो ग्रोथ करना रुक जाती है, लेकिन आप देखेंगे आप में चेंजेस आते जाएंगे, आपकी जो आवाज़ है वो चेंज होती जाएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग चेंज होती जाएगी। जो आप पहले बहुत ज़्यादा, मतलब हर चीज़ को बहुत ज़्यादा
प्रॉम्प्ट वे में देखते थे, आगे जाके आप थोड़ा सोच समझ के उन कामों को करने लगेंगे तो आपकी गलतियाँ कम होती जाएंगी। जीवन के शुरुआती हिस्से में सभी से गलतियाँ होती हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो गलती ना करें, और गलतियाँ भी ऐसी होती हैं जो आपको लगता है कितनी बेमतलब की गलती थी, ऐसी गलती भी मैं कैसे कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ होता है, तो ये सब चीज़ें ओवर ए पीरियड आप सीख जाते हैं, और जैसे जैसे आपकी डेवलपमेंट होता जाता है वैसे वैसे आप और ज़्यादा मैच्योर बन जाते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर डायरेक्ट पॉइंट आप चाहें तो ये लिख भी सकते हैं, ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव एंड डेवलपमेंट इज़ क्वालिटेटिव नेचर। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये कई एग्जाम्स में मैंने देखा है और बहुत बार पूछा गया है। ग्रोथ वृद्धि मात्रात्मक, विकास प्रकृति में गुणात्मक है। ग्रोथ रेफर्स टू फिजिकल एस्पेक्ट्स ओनली, वेयर इज डेवलपमेंट रेफर्स टू ऑल एस्पेक्ट्स सच एज फिजिकल, कोऑपरेटिव, लैंग्वेज, इमोशनल, सोशल एट्सेट्रा। वृद्धि केवल भौतिक पहलुओं को संदर्भित करती है जबकि विकास सभी पहलुओं को संदर्भित करता है, जैसे शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषा, भावनात्मक, सामाजिक आदि। ग्रोथ इज लिमिटेड टू हाइट एंड वेट बट डेवलपमेंट रेफर्स टू ऑल चेंजेस लीडिंग टुवार्ड्स मैच्योरिटी। वृद्धि ऊंचाई और वजन तक सीमित है, जैसे मैंने आपको बताया एक बार ये हो गई, हो सकता है वजन तो आपको बढ़ता रहे लेकिन ऊंचाई तो एक बार जो हो गई सो हो गई, लेकिन विकास सभी परिवर्तन में संदर्भित रहता है, परिपक्वता की ओर ले जाता है, परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी की तरफ। ग्रोथ स्टॉप्स एट सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ बट डेवलपमेंट कंटिन्यू टिल डेथ। हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि ग्रोथ जो होती है वो, यानी वृद्धि जो होती है वो जीवन की एक निश्चित अवधि तक होती है, उसके बाद रुक जाती है, लेकिन विकास मृत्यु तक जारी रहता है।